हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ नॉलेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का फिज़िकल केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारी आगे की वीडियोज़ भी आपको मिल सके। ओके, और ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 100% आएंगे इन क्वेश्चंस में, अगर आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो। इनको आप अच्छे से देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, वन डर वाल समीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैक्सवेल वोल्टमैन वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। ये हमने आपके लिए, आपको तो पता ही होगा कि 5-6 साल के क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अच्छे से उसमें से हमने इस क्वेश्चंस को छाटे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से मार्क्स आ जाएं इन क्वेश्चंस में, पेपर में अच्छे से मार्क्स आ जाएं आपके। और ओके, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ब्रैग समीकरण। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, द्रव क्रिस्टल को समझाइए तथा विभिन्न प्रकार बताइए तथा इसके अनुप्रयोग भी बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन है NaCl व CaCl की क्रिस्टल संरचनाओं को बताइए। सिक्स क्वेश्चन हमारा, प्रथम द्वितीय और तृतीय अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण को स्पष्ट कीजिए। फिर क्वेश्चन हमारा ब्राउनी गति, ये क्वेश्चन से इसमें दो दो मार्क्स के आते हैं, ये एक टिप्पणी लिखनी है। तो हम आप इसमें कौन कौन सा आ जाती है, ब्राउनी गति आ जाती है, हॉल्डी शुक्ले नियम, टिंडर प्रभाव, जिगजैग। ओके, ये सिर्फ वो क्वेश्चन इसमें छोटे, मतलब टिप 2 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन, मतलब एक पेपर का याद करना है इसमें कम से कम, ज़्यादा नहीं डीपली लिखना। ओके, फिर हमारा एट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी का पहला और दूसरा नियम आ जाता है कभी यार पूछने को, पहला भी कभी दूसरा भी आ जाता है, तो आप दोनों कर लेना। ओके, फिर हमारा 9th क्वेश्चन है, वॉन्ट ऑफ गुणांक क्या है। फिर टिप्पणी में आ जाते हैं इनमें से, ये भी 2 मार्क्स आ जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। स्वर्ण संख्या, निमेटिक एवं निमेटिक द्रव क्रिस्टल, 7 खंडीय सेल, पायस मिसेल। ओके, 11th क्वेश्चन हमारा, द्रव क्रिस्टल के प्रकार एवं इनके एक एक उदाहरण दीजिए। फिर संक्रमण अवस्था सिद्धांत समझाइए। क्रांतिक स्थिरांकों एवं वंडर वॉल स्थिरांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। 14th क्वेश्चन हमारा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियतांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं। इसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए इन क्वेश्चंस की, और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके। और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आपको वीडियो मिलती रहे, और आगे शेयर भी कर लिए, ताकि आगे और को भी हेल्प मिल सके इन क्वेश्चंस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।